हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए, यहाँ पर मैं ना किचन में आ गई हूँ और धनिया छान रही हूँ, धुल रही हूँ इसको अच्छे से। चटनी बनानी है आज, तो हरा हरा धनिया लेके आए थे, तो मैं जिसका नहीं पता तो उनको बता दूँ। मेरे को चटनी बनाना और चटनी खाना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब पसंद है मुझे हरा हरा ये सारी चीज़ें, क्योंकि हरी सब्जियाँ तो यहाँ मिलती नहीं है। फिर धनिया से वो चीज़ें हैं जो है, हरा सब्जी वगैरह खाने का मन जो होता है ना, वो इससे मेरा मतलब शांति हो जाती है कि हाँ कुछ मिल गया है हरा खाने के लिए, और अच्छा है बॉडी के लिए भी हरा धनिया और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ दाल। तो दाल मैंने पहले ही बॉईल कर दी थी, तो यहाँ पे मैंने आज बना रही हूँ लाल मसूर की दाल, और लोबिया मैंने उसमें डाला है। तो वैसे मैं फटाफट वाला दाल बनाऊँगी, तो बस तड़का लगाना है इसमें। प्याज टमाटर मैंने इसी में ऐड कर दिया था, और यहाँ तेल में डाल दिया है मैंने, ऑयल में डाल दिया है जीरा, और लहसुन मेरे पास अभी है नहीं और गर्मी भी हो रही है, तो बस अवॉइड करूँगी और फटाफट से इसमें दाल डाल दूँगी। दाल ऐड करने के बाद इसको ना अच्छे से बॉईल होने दूँगी, दाल बन जाएगी। क्योंकि मेरा आपको पता ही कि शिफ्टिंग, ये सामान सारा पैक वैक ये सब कुछ करना है, तो ये सारा काम करना है, इसलिए मैं फटाफट किचन का काम कर रही हूँ। और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई है, तो कपड़े हो गए थे तो इन कपड़ों को मैं धुल रही हूँ और अभी बाहर डाल दूंगी, ताकि बाद में अगर थोड़ा बहुत कपड़े होते हैं तो उनको धुल के मैं डाल दूँ। क्योंकि अभी ना पता ही नहीं चल रहा है घर में कुछ कपड़े कहाँ पड़े हैं, कुछ कहाँ। तो जो मेन मेन है इनके ऑफिस के और अनन्या के स्कूल के, तो वो मैं धुल रही हूँ, क्योंकि हमारा सामान जाना है तो फाइनल आज पैकिंग करनी है मुझे। तो यहाँ पे ना जितना भी मेडिसिन वगैरह है, तो मैं देख रही हूँ जो मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो रख रही हूँ, बाकी सामान के साथ जाएगा, और कुछ एक्सपायरी है तो उनको मैं फेंक दूँगी, ऐसे फालतू नहीं रखूँगी, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे बस अब मैं लंच बना रही हूँ, ये आ गए थे तो रोटी खाएंगे हम लोग, रोटी और दाल खाएंगे, तो फिर हमारा लंच भी हो जाएगा फटाफट से। फिर लग जाऊँगी मैं अपने काम में। तो मैंने अभी रोटी वोटी बना ली है, तो इनको खाना दे दिया, ये अपना रेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे बाहर मैंने ना सुबह से ये काफ़ी सारे बर्तन धुले हैं, जो ये कंटेनर वगैरह बच गए थे तो ये मैंने वॉश कर लिया, आटा वगैरह के जितने भी डब्बे थे। और यहाँ पर मैंने ये कपड़े वॉश किए, जो मेरे पास ट्रंक है, बक्से बॉक्स, तो उनके ऊपर बिछाए हुए थे, कुछ पर्दे हैं कुछ ये हैं सारे, तो मैंने इनको भी अच्छे से धुल दिया है, ताकि मैं इनको भी सामान के साथ पैक करके और इनको भी भेज देंगे। तो छोटे छोटे काम जो है वो बच गए हैं, तो दिखने में ये छोटे लग रहे हैं, लेकिन मेरे ना आदमी मतलब कमर टूट गई ना बहुत ज़्यादा, तो इन सबको मैं वॉश करके रख रही हूँ, और ये डब्बे वगैरह भी, ताकि इनमें फंगस वगैरह ना लगे। थोड़ा सा भी पार्टिकल रह जाता है ना किसी चीज़ का, तो फिर ये सामान में बंद रह के फिर ये ख़राब सा हो जाता है, क्योंकि 15-20 दिन तक ये बंद रहेगा सारा सामान। तो यहाँ पे बस लास्ट टाइम आ रही हूँ मैं शायद इस वाली बालकनी में कपड़े डालने के लिए, अब उधर ही डालेंगे आसाम में, बहुत याद आएगी इस घर की। तो बस यहाँ पर ये कुछ रजाई वगैरह है, कंबल है, चेन्नई में तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जहाँ हम पिछले बार पोस्टिंग थे यूपी में सहारनपुर में, तो वहाँ बहुत ठंडा होता था, तो बस सारा सामान जुड़ता रहता है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि कैसे रखूँ, तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस बॉक्स में मैंने फ़िलहाल तो रख दिया था, लेकिन बाद में मुझे निकालना पड़ गया था, क्योंकि ये इस बॉक्स में ना कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने जितना भी रज़ाई और गद्दे वगैरह थे, इनका एक अलग से फोल्ड बंडल बना लिया था, तो रोल बनवा लिया था, तो वो अलग से ही गया। तो इसमें बस कपड़े वगैरह आए, और अभी जितना भी नीचे सामान पड़ा है ना, तो काफ़ी सारा सामान है, कपड़े हैं, बुक्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें मुझे रखनी है। मंदिर है, अभी मंदिर को भी मुझे सेट करना है, मतलब तो ये मंदिर जो है ना खुलता है पूरा, तो मैं इसको अच्छे से धूल मिट्टी झाड़ दूंगी इसकी, और इसको मंदिर को खोल लूँगी। तो इसके इस मंदिर की अच्छी बात यह है कि लाने ले जाने में प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये खुल जाता है, और ये भी हमने सहारनपुर से लिया था, वहाँ पर लकड़िया का जो काम होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो मैंने यहाँ से मंदिर ले लिया था। बहुत से लोग सोफ़ा फर्नीचर ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो मैंने नहीं लिया था, ये गए थे तो यही लेके आ गए थे, तो बहुत ही सुंदर लगता है मुझे मेरा मंदिर। तो बस इसमें मैंने एक बार क्लीन तो कर दिया था, फिर भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी इसको, ताकि ये जो काला काला लग जाता है दिया वगैरह का, तो वो कपड़े पर ना लग जाए, तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, ड्राई कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो अभी तो मैं ये सब चीज़ें रख रही हूँ, लेकिन बाद में ये बॉक्स मुझे पूरा खाली करना पड़ा, फिर बाहर लेके गए, क्योंकि ये ना जो ये दरवाजे होते हैं चौखट, यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा था, तो फिर हस्बैंड की मदद से मैं इसको बाहर लेके गई, रजाई निकाली, बाकी सारा सामान हमने इसमें अच्छे से अरेंज कर दिया था, कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें। बस अभी मंदिर को मैं धीरे धीरे करके निकाल रही हूँ, और इसके जितने भी ये डंडे हैं सारे खुल जाते हैं,
और फोल्ड होके ये मंदिर ना मैं अपने ट्रंक में रख लूंगी अच्छे से, ताकि ये सेफली चला जाए, टूटे ना। फिर कोई भी चीज़ होती है ना टूट जाती है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इस तरीके से रखूंगी कि ये टूटे भी ना। और अभी आ गई मैं इधर बेडरूम वाले कबर्ड में, तो यहाँ सारे कपड़े और ये सारे छोटे मोटे जो भी चीज़ें हैं, बेडशीट वगैरह हैं, तो इन सबको मैं निकाल रही हूँ। तो अभी हम काफ़ी दिन तक चेन्नई में ही रहेंगे, तो ये वाला घर तो हम लोग छोड़ देंगे, और जब सामान चला जाएगा फिर इनके घर फ्रेंड के घर पे स्टे करेंगे, क्योंकि अनन्या का स्कूल है, तो अनन्या को स्कूल जाना है, और तब तक हमारा सामान भी वहाँ पर पहुँच जाएगा। बस तो कुछ कपड़े यहाँ के लिए निकाल लूँगी, कुछ बाकी मैं सारा बंद कर दूँगी, वरना बाद में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है। तो अभी जितना सामान चला जाए ट्रेन के साथ उतना चला जाए। 9:15 बज गए और मैंने कर लिया पूरा, ये वाला बॉक्स पैक कर दिया कपड़ों से, और अंदर से हम बाहर लेके आए इसको, और सारा, क्योंकि अंदर से फिर बाहर नहीं आता, दरवाजे में ही अड़ जाता है। और इधर ना हस्बैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने सब्जी रख दी है, अनन्या खेल रही है अपने टॉयज से, तो ऐसे कुछ हाल हो रहे हैं घर का। तो भी सारा क्लीन करूंगी मैं, इधर भी फैल रहा है सारा, इधर तो ना सारा घर फैल रहा है अभी, मतलब जो काम काम की चीजें है वो रख ली है, कपड़े वगैरह सारा। और जो कपड़े हमें हमें अभी 15-20 दिन रहेंगे यहाँ पर, वो कपड़े मैंने अलग रख दिए हैं जो पहनने के लिए हैं। तो अभी हस्बैंड बना रहे हैं सब्जी, हेल्प कर रहे हैं, कटहल बन रहा है, तो मैं आटा गूंथती रोटी बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को भी लग गई है भूख, और डेली डेली ऐसे ही हो रहा है, 2 दिन से बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है। कल रात के 2 बज गए थे, आज भी 12 बज जाएंगे, तो मैं बच्चों के लिए खाना वाना बनाती हूँ अभी। और पैकिंग के चक्कर में ना थोड़ा बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि उद्धव ने दिन में भी खाना नहीं खाया, तो मैंने इसे थोड़ा जबरदस्ती किया, फिर भी नहीं खाया, तो वो ना बिल्कुल भी नहीं खाता है। उसको जब दिखता है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं घर में, उठा पटक चलता है, या पैकिंग वैकिंग, उसको ना ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ घूमने वूमने के लिए जा रहे हैं। तो बस अभी उसके पापा ने उसे अच्छे से बैठा के खाना खिलाया तसल्ली से, तो यहाँ पे अब मैं खाना ले रही हूँ। तो मैंने सारे बर्तन वगैरह रख दिए हैं, थोड़ा बहुत जो भी थे बचे हुए, तो यहाँ पे मैंने सब्जी ले लिया डिस्पोजल प्लेट में, चटनी है और रोटी ना है। एकदम 11 बज रहे हैं रात के, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है, ये कपड़े धोए थे मैंने कुछ, तो ये ले आई मैं अभी अंदर, शाम को टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। तो आज ना डिनर बनाने में इन्होंने हेल्प कर दी थी, कटहल था, तो कटहल मुझे इससे कटता भी नहीं है, छोटा कटहल मिलता है यहाँ साउथ में, तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता इतना जितना नॉर्थ में मिलता है ना, बड़ा वाला कटहल वो नहीं मिलता यहाँ पर। तो इन्होंने बनाया था, क्योंकि मैं काम में लग गई थी, कपड़े वगैरह समेटने थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, कुछ रखने थे, कुछ जो यूज़ में नहीं आते हैं, तो जो वो साइड रखे, तो कुछ टी पुरानी टी शर्ट वगैरह होती है ना जो पोचा डस्टिंग के काम आएगी लास्ट टाइम पे, तो वो रखे, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, अभी भी आधा सामान रखा हुआ ही है। बस तो धीरे धीरे करके देखते हैं, सैटरडे को या संडे को सामान भेजने का कुछ करते हैं, मतलब फटाफट करते हैं अपना काम। तो अभी उद्धव भी चला गया अंदर, अनन्या भी और ये भी, तो मैं यही सारा काम कर रही थी, किचन वगैरह समेट रही थी, यही सारा करना था, क्योंकि घर ना पूरा फैल गया था, तो मैंने एकदम से सही कर दिया है घर, जो भी चीज़ें फैल रही थी ना सारी हटा दी हैं, और इतना ज़्यादा निकल गया था ना, मतलब इतना ज़्यादा कूड़ा, कूड़ा क्या कह सकते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, जो फटे पुराने कपड़े होते, तो सारे ये नीचे रख के आ गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें होती है, बॉटल्स और एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते, कुछ चीज़ें चाहिए भी होती है तो हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान ढोना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सारा ये रख के आ गए हैं नीचे, तो बाहर भी पूरा क्लीन हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही था, ये भी करती हूँ आज के अपने ब्लॉग को एंड, होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट।